खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने 15 फरवरी को आपात बैठक बुलाई है। किसान आंदोलन के चलते यह आपात बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे संगठन के पदाधिकारियों की यह बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा और रणनीति भी बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 15 फरवरी यानी कल आपात बैठक बुलाई गई है। किसान आंदोलन के चलते यह आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की चर्चा की जाएगी। दरअसल सुबह 11 बजे संगठन के पदाधिकारियों की यह बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी, साथ ही आगे आने वाले समय में किसान आंदोलन क्या मोड़ लेगा, इसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के चलते आपात बैठक बुलाई गई। शंभू बॉर्डर पे और भी जहां पंजाब वाले भाई जो आंदोलन में आ रहे हैं, वहां पे जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले काफी चलाए गए हैं, प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई हैं, काफी किसान घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और ये जो मैटर है, ये बातचीत से सुलटाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं। कोई मांगे गलत नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं मांग रहे कि जिससे कोई देश उजड़ रहा हो या कोई अपने स्वार्थ में मांग रहे हो। किसानों की मांगे हैं, किसानों की मांगों पर के ऊपर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत करके बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए और ये मांगे माननी चाहिए, सारी सही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, किसानों के आंदोलन के चलते आपात बैठक बुलाई गई है, सुबह 11 बजे संगठन के पदाधिकारियों की बैठक होगी, आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी, क्या आगे ये किसान आंदोलन कोई बड़ा रूप ले सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि कल जो है उनकी जो कोर ग्रुप है, जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो है बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में ही जो है कुछ निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है सैद्धांतिक तौर पर कि जो किसानों की मांगे हैं जायज हैं, उनके ऊपर जो है उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, और जो किसानों पर आरोप लगता है कि किसान जो है वो रास्ते जाम करते हैं, लेकिन इस बार जो है पुलिस ने जो है बैरिकेड लगाकर जो है रास्ते जाम किए हैं, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की बात जो है किसान नेता ने कही है। लेकिन जो बड़ी बात है कि क्या हरियाणा के किसान, जिनका की प्रतिनिधित्व गुरनाम सिंह चढ़ूनी करते हैं और अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं इस क्षेत्र में, उसके अलावा किसानों पर भी उनका बड़ा प्रभाव है, क्या वो इस आंदोलन में शामिल होंगे? देखने वाली बात ये रहेगी, कल का इंतजार करना होगा, कल उनकी जो बैठक है उसमें क्या फैसला लिया जाता है जी, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।